नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथियों, जिस योजना के बारे में आज अपन बात कर रहे हैं, आज वह सुविधाएं हैं, आज वह सेवाएं हैं जिसको आप जानकर भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि पहले आपने जो मैं आज जो सेवाएं आपको बता रहा हूं और आंगनबाड़ी केंद्र से जो सेवाएं आपको मिलनी चाहिए थी, वो सेवाएं शायद ही यूट्यूब पर अभी तक किसी ने नहीं बताई। मेरे पास एक फॉर्मेट मिला है, इस फॉर्मेट के तहत आप अपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से पूछ सकते हो, नॉलेज ले सकते हो कि हमें हमारे बच्चों को ये टाइम से टाइम क्यों नहीं मिलता, या गवर्नमेंट सरकार इनको दे रही है या नहीं। आप समझ लीजिए अपन कितने अंधकार में आज भी जी, कितना कुछ गवर्नमेंट अपन को देती हैं और अपने पास आता है या नहीं, आप खुद इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो। साथियों, मेरा आपको बताने का मकसद है, जागरूक अपन को बनना होगा। देखो, अगर आप जागरूक उपभोक्ता नहीं बनोगे तो आप 2021 में जी रहे हो साथियों, आपका कोई वैल्यूएशन नहीं है। अगर आप जागरूक बनोगे, हर योजनाओं का अपन ध्यान रहेगा, अपन को क्या मिलना चाहिए थे, अपने नाम से वहाँ कागजी कार्रवाई हो रही है, कागजों में अपन को सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन ओरिजिनलिटी में अपन को मिल रहा है नहीं, आज उस चीज़ के बारे में जानेंगे। साथियों, पूरा फॉर्मेट है जिसमें 8 सेवाएं दी गई हैं, ये 8 सेवाओं के बारे में हम आज अच्छे से जानेंगे, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र से जो सेवाएं अपन को प्रदान की जाती हैं, उन सभी सेवाओं के बारे में आज अपन अच्छे से जानेंगे। ये वो 8 सेवाएं जिनके बारे में आप जान लो और अपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से पूछो कि हमें ये सेवाएं क्यों नहीं मिलती। साथियों, पहली सेवा है पूरक पोषाहार, दूसरी सेवा है प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, तीसरी सेवा है पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा, चौथी सेवा है टीकाकरण की, और पांचवी सेवा है स्वास्थ्य जांच की, और छठी सेवा है रेपलर सेवाएं, और सातवीं सेवा है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है जिसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को पैसा मिलता है। कितना पैसा मिलना चाहिए था वो पूरी जान के आज सबकी पोल खुलेगी। आप वीडियो को अच्छे से पूरे देखना, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये मैं नहीं बोल लूँगा, क्योंकि अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप अपना आप कर दोगे, क्योंकि आप समझदार हो साथी हो। अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर कुछ सीखने को मिलता है तो आप कर लीजिए, नहीं सीखने को मिलता है साथी हो तो गाली तो मत दीजिए, लेकिन इतना है जो कुछ मिले वो सीख लो, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं, आपसे पैसे नहीं ले रहे, ठीक है साथियों। और अगली है 8वीं, सामुदायिक आधारित कार्यक्रम क्या क्या होते हैं। नीचे दिए रखे हैं कि अगर सेवा नहीं मिलती है आपको तो संपर्क सूत्र भी हैं, आप जानकारी ले सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, उनकी जांच करवा सकते हो, उनकी शिकायत कर सकते हो, पूरे नंबर में आपको दूंगा पूरी डिटेल के साथ। अब जान लेंगे अपन क्या क्या अपन को मिलनी चाहिए साथियों। पहली सेवा के बारे में जानेंगे, पहले 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है पहली सेवा। अब पोषाहार में क्या मिलना चाहिए इनको, 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों को क्या मिलना चाहिए आंगनबाड़ी से जान लो। 1 किलो 250 ग्राम गेहूँ अगर मिलता है आपको प्रति महीने तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता बहुत समझदार ईमानदार, या तो गेहूँ मिलेगा या चावल मिलेगा या चना की दाल मिलेगी, इन तीनों में से एक चीज़ मिलनी थी साथियों, ठीक है। अगली बात के लिए चलते हैं, किशोरी बालिका और गर्भवती धात्री महिला के लिए 1.5 किलो गेहूँ मिलने चाहिए या फिर 1.5 किलो चावल या 3 किलो चना की दाल। मिलती है तो ठीक है, आप समझ सकते हो, जान सकते हो साथियों आप कितने लॉसेस में हैं, क्या है अपने बच्चे को नहीं मिल रही या मिल रहा है। अगले पे चलते हैं साथियों, 6 माह से 6 वर्ष से अधिक कुपोषित बच्चों के लिए साथियों 2 किलो गेहूँ प्रति महीना या 1.5 किलो चावल या 3 किलो चने की दाल। नहीं मिलता है तो आप समझ सकते हो, जान सकते हो साथियों। दूसरी सेवा के बारे में जानेंगे साथियों, प्रारंभिक बाल्य अवस्था शिक्षा, जो ये अपने स्कूल में जाने से पहले बच्चों को आंगनबाड़ी में दी जाती है। सुनिए साथियों, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए ही, और आंगनबाड़ी में प्रवेश शाला से पूर्व शिक्षा ये है। प्रति महीने अमावस्या को अभिभावक के साथ बैठक होनी करनी चाहिए उनको, कि आपका बच्चा कैसा है,
पड़ता है या नहीं, यह है बात। ठीक है साथी, चलते हैं फिर अगली सेवा के लिए। तीसरी सेवा है पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा। अब ये क्या है साथियों, सुन लीजिए। 15 वर्ष से 45 वर्ष की महिलाओं के लिए ही ये पोषण एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। भाई गांव में कुछ कुपोषित महिलाएं हैं, कुपोषित व्यक्ति हैं, उनके लिए ये जागरूक के लिए एक अभियान इनको बताना पड़ता है, कार्यकर्ता को जागरूक करना पड़ता है। ये सेवा है तीसरी, शिक्षा के प्रति जागरूक करना है। अगर ये भी सेवा आपको नहीं मिल रही तो आप समझ सकते हो। चौथी सेवा आती है टीकाकरण, 0 से 6 वर्ष के बच्चों या गर्भवती महिला के लिए। इनके लिए क्या होता है, एक तो BCG का टीका लगता है, इनके OPV का टीका लगता है, DPT का टीका लगता है, टिटनिस आयरन की गोलियां इनको मिलती है, टीकाकरण में आती है ये योजना। नहीं मिलती ये सुविधाएं तो आप शिकायत कर सकते हो, नीचे नंबर दूंगा खूब बेताक, आप टेंशन मत लीजिए। पांचवी सेवा है क्या साथी, स्वास्थ्य जांच, हेल्थ चेकअप। अभी स्वास्थ्य जांच कैसे करनी है, किस कौन किसकी होनी चाहिए, आंगनबाड़ी में फ्री में होती है, ये सब सेवाएं निःशुल्क है साथी। अगर इनसे कोई आपसे पैसा लेता है तो आप शिकायत कर सकते हो साथी। ठीक है, जानेंगे साथियों। 0 से 6 वर्ष के बच्चे प्रत्येक माह के मातृत्व शिशु स्वास्थ्य और पोषण दिवस पर, यह है साथियों। किशोरी बालिका के लिए भी यही बात है, और अच्छे से मैं ये फॉर्मेट आपको अच्छे से डालूंगा, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने कार्यकर्ता को बता सकते हो कि मैडम जी हमको ये सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही, जब गवर्नमेंट इनको दे रही है, कागजों में उन्होंने इनका पैसा लिया, कुछ भी लिया, ये तो गवर्नमेंट के पास उनका प्रूफ होगा, आप जांच करवा सकते हो साथियों। मेरे पास ये फॉर्मेट आया है और आप आंगनबाड़ी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, ये आपको ऑफिशियली फॉर्मेट मिल जाएगा कि आंगनबाड़ी से जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं उनके बारे में आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगली सेवाएं में 2-3 इम्पोर्टेंट सेवाएं बताऊंगा, आप अच्छे से इनको पढ़ दीजिए साथियों। मैं आपको मेन सेवा बता देता हूँ। एक तो 7वीं सेवा है मातृत्व वंदना योजना। ये क्या है साथियों, ये गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला के लिए होता है, जान लीजिए। गर्भावस्था का शीघ्र पंजीकरण, LPM की तारीख के 150 दिनों के अंदर अगर 1000 रुपये नहीं आ रहे, अगर आपकी महिला गर्भवती है, पंजीकरण के 150 दिन के अंदर अगर 1000 रुपये खाने पीने के नहीं आते तो आप समझ सकते हो आपका फॉर्म नहीं भरा गया। तो ये अनुदान राशि होती है गवर्नमेंट की, इसमें गर्भावस्था की मतलब महिला को जो प्रेग्नेंट है डिलीवरी के टाइम उनको ये सब कुछ ये पैसे गवर्नमेंट से मिलता है। गर्भावस्था के 6 महीने के भीतर प्रसव पूर्व जांच पर 2000 रुपये, 6 महीने के अंदर 2000 रुपये मिलने चाहिए थे, डिलीवरी नहीं होने से पहले भी मिलने चाहिए, ये सच्चाई है साथियों, कोई इसमें झूठ नहीं है। डिलीवरी नहीं होने से पहले भी खाने पीने के पैसे आते हैं, उनको अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए महिला के लिए गवर्नमेंट पैसे देती है, फल फ्रूट खाने के लिए पैसे देती है, लेकिन वो फॉर्म भरते हैं ना आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, तभी ये पैसा मिलता है। आप मैं बोल रहा हूँ बार बार कि आप जागरूक बनो साथियों, ऐसे पार पड़ने वाले नहीं। बच्चे के जन्म के पंजीकरण और टीकाकरण पर 2000 रुपये मिलते हैं, ये किस्तों में डलते हैं पैसे। और साथियों ये पूरी जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीचे भी सामुदायिक आधारित कार्यक्रम, इसमें क्या होता है साथियों, गर्भावस्था परश्रम दिवस होता है, जिसे अपने चुनड़ी भाई हो तो जैसे कोई बच्चा या कुछ भी होता है उसमें सिंदूरी चूड़े कंगन और प्रोग्राम होता है, उसमें भी ये सब सामान आता है, लेकिन अपने को मिलता नहीं। मैं इसकी पूरी जानकारी आपको नहीं दे सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा साथियों, आप समझ सकते हो इसमें क्या है साथियों, पूरी जानकारी इस फॉर्मेट में आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका भी टाइम बचेगा और मेरा भी टाइम बचेगा। मुझे पता है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा साथियों, क्योंकि इस वीडियो में जो भी है बिल्कुल ऑफिशियल है, आप समझ सकते हो कि इसमें जो भी है वो अच्छे से स्पष्ट शब्दों में आ रहा हो, आप इसके ऑफिशियल साइट पर भी एक बार चेक करके देख सकते हो। सेवा न मिलने पर संपर्क सूत्र है नीचे, नियंत्रण अधिकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी, इनके मोबाइल नंबर है, कार्यालय के दूरभाषा नंबर है, शिकायत होने पर यह 181 या टोल फ्री नंबर पर भी संपर्क करते हैं।
साथियों, ये राजस्थान वाले नंबर है। अपने जिस स्टेट से भी हो वहाँ आप कॉल कर सकते हो। वहाँ के आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट को खोल कर वहाँ से आपको इस पूरा डाटा मिल जाएगा, आप देख सकते हो। साथियों, मुझे पता है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा और लगेगा। साथियों, मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं नए सिरे से चैनल को स्टार्ट किया है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। साथियों, मैं ज़्यादा परेशान नहीं डाल सकता, जो कुछ भी मिलेगा चैनल पर फ्री में मिलेगा, कोई पैसा का चार्ज नहीं है। पर यह जा क्या रहा है अगर अपनी वजह से किसी इंसान को कुछ मोटिवेट मिलेगा।